शॉर्टकट आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 14 दुर्घटनाग्रस्त मित्र को Thank you.
करे तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि जिस संकट को तुमने झेला है, जितनी सहजता से, जितने धैर्य से, जितनी शांति से तुमने ये सब झेला है और सबको मुस्कुराना सिखाया है, ऐसे में अगर किसी पुस्तकीय ज्ञान यानी कि पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान उसके बारे में चर्चा करे तो ये बिल्कुल व्यर्थ होगा, बिल्कुल वेस्ट होगा। किस प्रकार से शांत होना जा सकता है ये कोई तुमसे सीखे, यानी कि इस बड़ी विकराल परिस्थिति के अंदर, विकट परिस्थिति के अंदर भी तुमने अपना धैर्य बनाए रखा, शांति बनाए रखी, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीजों के लिए। तुलसीदास ने विपत्ति के साथियों की गणना एक बीघे में की है, कि तुम्हारे पास वे सभी असमय के थे, तो स्वयं तो आश्वस्त थे ही, अपने मित्रों और शुभ चिंतकों को भी ढालस बंधा रहे थे। एक दोहे के रूप में एक लिखा गया है कि तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है जिसमें लिखा है कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में जब आपके मित्र आपके साथ आते हैं तो किस प्रकार से बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से पार कर जा सकते हैं। धर्म विवेक सुकृत सत्य राम भरोसे एक, तो ये जो दोहा है इसके माध्यम से यानी कि ये कहीं ना कहीं सत्य है कि किस प्रकार से जो विपरीत परिस्थितियां होती है, ऐसे समय होता है जब इंसान बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, मुश्किल में होता है, तो मित्रों के आने से साहस मिलता है और सब कुछ ठीक होने का एक रास्ता होता है। मैंने तुम्हारे पास रहकर यह देखा और अनुभव किया कि संकट से उबरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं, स्वयं अपने भीतर होती है। कर्मवीर की यात्रा के साथ ही धैर्य, साहस और मनोबल ही है, ये तीनों गुण तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगे उनके मित्र लिखते हैं कि मैंने अनुभव किया है कि अक्सर जो संकट जो मुसीबत आती है, जो बुरी परिस्थिति आदमी के साथ आता है, चले जाता है, उससे बाहर निकलने के लिए, उससे उससे लड़ने के लिए हमें कोई भी मौका नहीं मिल सकता है। उसकी सारी जो ताकत है, जो सब कुछ है, वो हमारे भीतर ही है, हम ही है, यानी कि हमें कोई व्यक्ति आगे उस संकट से नहीं निकाल सकता है, हम स्वयं ही हैं जो उस संकट से लड़कर बाहर निकल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तीन जो गुण है, धैर्य, साहस और मनोबल, यही किसी भी कर्मवीर की यात्रा को सुखी बनाते हैं, यानी कि अगर आप कर्म का काम कर रहे हैं, कर्मवीर का काम करके अपनी वीरता बताना चाहते हो, तो धैर्य, साहस और मनोबल भी आपके लिए तीन गुण रहते हैं यात्रा में, और ये तीनों गुण तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं, ऐसा मित्र लिखते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की भीषणता और दुखद परिणाम पर सोचता हूं तो हृदय कांप उठता है। दुर्घटना के बारे में तो बड़ा दुख होता है, मेरा हृदय कहां उठता है, कांपने लगता है, और मैं सोचता हूं कि क्या दुख ऐसे ही बैठा हुआ आ जाता है, काल में चार की परीक्षा होता है, तो विपत्ति काल यानी कि जब हमारा चैलेंजिंग समय होता है, विपरीत समय होता है, तो चार चीजों की परीक्षा होने की तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है कि देखिए, धीरज धर्म मित्र अनुरागी आपत्काल परखी जाए, तो धीरज धर्म मित्र और अनुरागी इन चारों को आपातकाल स्थिति में कर सकते हैं, तो चारों चीजें हैं वो बुरी परिस्थिति में पता लग जाता है कि इनमें से कौन सी चीज आपके साथ है। विपत्ति काल में तो पुरुषार्थ की जांच का समय है, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम इस कसौटी में खड़े उतरे हो, यानी कि जो विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, बड़ी
पुरुषार्थ की जांच कर रहे हैं कि वो कितना स्ट्रांग पुरुष है, कितना वो स्ट्रांग इंसान है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम अपनी कसौटी पर बिल्कुल खड़े उतरे। पिछले कुछ समय में मैंने तुम्हें अनेक व्यक्तियों से जूझते हुए देखा, किंतु तुम्हारी कष्ट सहिष्णुता देखकर स्तब्ध रह गया। तुम्हारा प्रयास उन व्यक्तियों के समान है जो कष्ट धाराओं की सीढ़ी बनाकर जीवन यात्रा में कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहे हैं। अब आगे वो लिखते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां मुसीबत आई है, मैंने बचपन से देखा है कि तुम सबसे जूझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो सहन शक्ति है उसको देखकर मैं स्तब्ध रह गया, मतलब मैं चकित रह गया तुम्हारी सहन शक्ति को देखकर। तुम्हारे जो प्रयास है, तुम्हारी जो सहन शक्ति है, तुम्हें जीवन मुसीबत से लड़ने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो सीढ़ी के समान है जिसको लोगों ने बाधाओं की सीढ़ी बनाकर अपने जीवन को एक आगे ले जाकर दुनिया के सामने कीर्तिमान के तौर पे पेश किया। कीर्तिमान का मतलब है रिकॉर्ड, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़कर दुनिया में इतना नाम किया कि लोग पूरे विश्व में उनका नाम जानते हैं। तुम्हें मेरे पड़ोस में रहने वाली नीलिमा को तो देखा ही है, कष्ट झेल रही कि उसकी सहन शक्ति अवर्णनीय है। अपने विकास में किसी प्रकार बाधक नहीं स्वीकार किया। चार पांच बार की शल्य चिकित्सा को उसने जिस साहस के साथ झेला, वह उसकी पीठ ठोकने के लिए पर्याप्त है। आगे वो मित्र जो है वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के बारे में उदाहरण देता है कि नीलिमा नाम की लड़की जो है जिसकी पैर की जरूरत है, उसके पैर में भी समस्या थी, और वो कह रहा है कि नीलिमा को तुमने देखा है, उसकी जो क्षमता है कष्ट झेलने की वो भी अपार है। कितनी बार उसने ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा मतलब उसका चार पांच बार ऑपरेशन हो चुका है, और जिस दुख आदमी को सहन करना पड़ता है इसको उसने बड़ी ही हिम्मत से झेला है, और इसके लिए हमें उसकी पीठ ठोकना मतलब उसकी तारीफ करनी हमको चाहिए। उसने अपने दुखी माता पिता को साथ दिलाते हुए कहा, आप विचलित ना हो, मेरा सबसे कम उपयोग बाकी सभी लोगों को सक्रिय है, मैं सारे कार्य भली प्रकार कर सकूंगी। और उसके पैर जो उसके बच्ची का पैर ने नीलिमा का जो पैर बेकार हो गया था, उस समय उसने अपने माता पिता को साहस दिलाते हुए ढांढस बांधते हुए प्रश्न देते हुए कहा, देखा तो चाहिए मेरा एक पैर है तो खराब हुआ है, अपंग हुआ है, बाकी सब लोग तो सक्रिय है मतलब सब काम कर रहे हैं ठीक से, तो मैं बाकी सारे काम अच्छे से कर पाऊंगी, आप चिंता मत करिए। तो एक बच्ची जो कि अपने पिता को ये समझा रही है, यह उसकी जरूरत में है कि वह निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज वह मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, कल वह डॉक्टर बनेगी और दीन दुखियों का दुख दूर करने में समर्थ हो सकेगी। वो आगे बढ़ती चली गई और आगे मेडिकल कॉलेज में अपने फाइनल अंतिम वर्ष के अंदर है, और अंतिम वर्ष में वही सारी डॉक्टर बनकर जाना चाहिए इस कॉलेज से, और फिर वो दीन दुखियों का दर्द दूर करने में मदद करेगी। सच कहता हूँ तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है, तुम जैसे धैर्य और साहस मुझमें क्यों नहीं। तुम इतने कह रहे हो, तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी जलन होने लगती है, ईर्ष्या तुम्हारे पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा मित्र शारीरिक स्तर पर कुछ कभी नहीं पहली कुछ ऐसा महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विकलांगता की अनुभव विकलांगता का अनुभव तक नहीं किया। वायरन, मिल्टन, जायसी, सूरदास आदि ये वो लोग हैं जो विकलांग होते हुए भी उन्होंने विकलांगता को अपने जीवन के अंदर बाधा के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि इससे लड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहे। कभी यह नहीं जाना कि उनके शरीर में कोई अभाव है। जैक एशले बधिर थे, जैक एशले जो थे बधिर थे, उन्होंने होठों से पढ़ना सीख पार्लियामेंट में गुंगो बहरों के हितों पर जबरदस्त वकालत की। अब यहां पर जैक पार्लियामेंट के अंदर गुंगे बहरों के लिए
जो कानून पास करवाए, उनके हितों के लिए बहुत सारे उन्होंने कानून पास करवाए। हेलेन केलर के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? हेलेन केलर जो थी वो तो गूंगी बहरी दोनों ही थी, इसके साथ साथ दृष्टिहीन भी थी। ना वो सुन पाती थी ना वो बोल पाती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया। और हेलेन केलर जो थे उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं वो बजाना सीखा। और इंस्ट्रूमेंट बजाना कैसे सीख सकता है? पॉसिबल नहीं। जो उसने उसकी ताल को, उसकी लय को, उसकी जो तरंगों को अपनी बॉडी से फील करना शुरू किया। इस दुर्घटना से जाना कि किसी व्यक्ति के लिए विपत्ति कोई समस्या नहीं होती, प्रसन्न चीत ही जीवन का सफलता का रहस्य है। तो आगे वो कह रहे हैं कि ये दुर्घटना जो थी, ये विपत्ति के समय भी वो बिल्कुल नहीं गया, तुम एक भविष्य व्यक्ति ही बने रहे, और शायद यही तुम्हारी सफलता का एक सत्ता तुम्हारे पास आ रहा हो, तुम्हारा अपना नीरज शर्मा। तो इसके बाद अपने से अपने मित्र को उसकी तारीफ करते हुए बहुत ही सुंदरता से ने उसका हौसला बढ़ाया, उसकी हौसला अफजाई की है। तो ये हमारे चैप्टर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।